एक जनवरी की रात को जन्मदिन मनाने के दौरान क्षेत्र में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव करने वाले के साथ हुई आमने सामने की मुठभेड़ में पुलिस ने तीन आरोपियों को गोली मार दी। तीनों आरोपियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के जवासिया रोड पर देर रात आज उस समय सनसनी मच गई जब पुलिस ने तीन आदतन अपराधी गुंडों को आमने सामने की भिड़त में गोली मार दी। प्रदेश सरकार के गुंडा मुक्त अभियान में आज पुलिस ने रासुका से छूटकर आया कुख्यात गुंडा नितेश उर्फ काउ सहित करण और सोहन पटेल का एनकाउंटर करते हुए तीनों के पैर व हाथ में गोली मार दी। उज्जैन पुलिस की माने तो आज जब पुलिस को खबर लगी कि तीनों को जवासिया रोड पर देखा गया है तो पुलिस ने जाल बिछा कर तीनों को पकड़ना चाहा, लेकिन पुलिस पर हमला कर तीनों भागने लगे। इस मुठभेड़ में पुलिस ने तीनों का एनकाउंटर कर पैर व हाथ में गोली मार दी है। ये थाना नीलगंगा क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व कुछ अपराध हुए थे गंभीर, जिसमें धारा 307 और बलवा के अपराध हुए थे। इसमें जो आरोपी थे, जिन पे काफ़ी अपराध दर्ज हैं, जो मुख्य तीन इसमें आरोपी थे, जो कुछ समय पहले ही रासुका से भी छूट के आए थे, वहाँ से छूटने के तत्काल बाद ही उन्होंने पुनः अपराध प्रारंभ कर दिए, जिसमें तीन गंभीर अपराध घटित किए। उसके पश्चात से ही, क्योंकि अपराधियों की प्रवृत्ति देख के आगे ये भी आशंका थी कि और भी अपराध घटित कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपराध घटित करते समय खतरनाक हथियार भी थे, पुलिस ने उसी दिन से लगातार इनकी पतारशी चालू की। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश इंदौर से उज्जैन आ सकते हैं। इस सूचना के माध्यम से अलग अलग पार्टियों का गठन किया गया और पूरे शहर में जहाँ पे जिस स्थान पे आने की जानकारी थी वहाँ पे लगातार पुलिस पार्टी ने गश्त करी और सर्चिंग करी है। उसी दौरान धर्मबल्ला से जवासिया रोड है, सर्चिंग के दौरान एक कार रोड पे खड़ी दिखी और चूँकि कार संदिग्ध टाइप की थी और सूचना वहीं पे थी, तो पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जो भी पार्टियाँ पुलिस की थी, और कार के नज़दीक जाने पर जो व्यक्ति उसमें बैठा था कार से उतरते हुए पुलिस पर फायरिंग उसने प्रारंभ कर दी। उसके पश्चात पीछे खेत में एक पुरानी झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना है, वहाँ से भी फायरिंग स्टार्ट हो गई। चूँकि पुलिस पार्टी ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था, उन्हें गिरफ्तारी के लिए ललकारा गया, लेकिन लगातार वो पुलिस पार्टी पर फायर करते रहे। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें जो तीन बदमाश थे जो पूर्व के अपराधों में जिनका नाम भी है और इन पे इनाम भी घोषित है, वो तीन बदमाश में घायल हुए हैं, जिनके हाथ में और पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां पे इनका वर्तमान में। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।